नमस्ते दोस्तों, मैं सुजय, आप सब लोगों को आपके अपनी चैनल इज ड्रीम टीम का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको देने जा रहा हूं एक ड्रीम टीम जिससे आप बहुत सारा पैसा अर्न कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज इसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो कि 31st क्वालिफायर मैच PNG वर्सेज जो कि सिंगापुर के बीच खेला जाएगा, उस मैच के बारे में पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। दोनों टीम का पॉसिबल 11 या फिर जो पिच रिपोर्ट, वेदर फोरकास्ट या फिर जो टॉप पिक्स या फिर ड्रीम इलेवन टॉप पिक्स जो सबसे बढ़िया रहता है, कौन से प्लेयर को लेना, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ले चलते हैं मेरे नोटपैड सेक्शन पर जहाँ पर मैंने इस वीडियो मैच के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। चलिए आइए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे नोटपैड सेक्शन पर और यहाँ पर आप देख ही रहे कि PNG वर्सेस सिंगापुर के जो 31st क्वालिफायर मैच खेला जाएगा उसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैच डिटेल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, जो कि यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि दुबई में है वहाँ पर ये मैच खेला जाएगा और जो कि फ्राइडे अक्टूबर 25, 2019 11:30 से सुबह का इंडियन टाइम अनुसार ये मैच स्टार्ट होगा। तो चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, जो कि यहाँ पर पिच रिपोर्ट जो कि है, तो यहाँ पर जो कि है दुबई में जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर इसकी पहला मैच खेला जाएगा इस कंपटीशन का। तो यहाँ पर जो कि एवरेज स्कोर पहले इनिंग्स का है 142 रन और जो कि यहाँ पर स्लो विकेट होता है तो इसके लिए जो कि बॉलर्स बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले लेते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली जो कि दो इनिंग्स का अगर तुलना करें तो वहाँ पर पहले इनिंग्स में बैटिंग करना सबसे बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर जो कि टॉस जीतेगा मेरे हिसाब से पहले बैटिंग के लिए जाएगा। तो चलिए वेदर रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर जो कि स्काई जो कि आसमान पूरा क्लियर रहने वाला है तो बारिश का कोई चांसेस नहीं, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और यहाँ पर जो कि 32 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, पूरा दिन का ह्यूमिडिटी जो कि 49%। तो इस वेन्यू का जो स्टैट्स है अभी उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, पहले इनिंग्स का 142 रन और दूसरे इनिंग्स का 126 रन एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, श्रीलंका ने पाकिस्तान के विरुद्ध 211 रन किया था 20 ओवर के क्रिकेट में, तो वही सबसे बढ़िया और सबसे हाईएस्ट रन यहाँ पर इस ग्राउंड के हिसाब से माना जाता है। और जो कि केनिया एक बार जो कि आयरलैंड के खिलाफ 71 पे ऑल आउट हो गया था, वो सबसे लोएस्ट स्कोर माना जाता है इस ग्राउंड पे। तो हाईएस्ट और हीरोइक जो चेस यहाँ पर हुआ है तो वो है 183, जो कि अफगानिस्तान एक बार चेस किया था वो UAE के खिलाफ, तो वो सबसे बढ़िया रन चेस रहा था। और यहाँ पर जो कि पाकिस्तान ने एक बार इंग्लैंड को 144 रन पर ही रोक दिया था और मैच को जीत लिया था, तो वहाँ जो कि दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड 144 रन नहीं उठा पाया था, तो वो सबसे कम रन पर डिपेंड करने वाला स्कोर यहाँ पर है। तो चलिए तो जा देख ही सकते हैं, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच तो होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो कि पापुआ न्यू गिनी का जो प्रोबेबल 11 है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दो, यहाँ पर जो कि टॉनी वुडा सबसे बढ़िया खेल रहा है, 144 रन अभी इस सीरीज में कर चुके हैं। असद वाला सबसे बढ़िया प्लेयर, उनका कैप्टन भी है, जो कि 158 रन और साथ ही साथ 5 विकेट ले चुके हैं, तो बहुत बढ़िया प्लेयर है जो कि पापुआ न्यू गिनी की तरफ से खेलते हैं और कैप्टन भी है। और लीगा सिया का जो कि 53 रन अभी तक कर चुके हैं लेकिन कोई भी विकेट नहीं लिए। चार्ल्स मिनी जो कि 28 रन 5 विकेट, तो अच्छे प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं लेकिन रन उतना कुछ कर नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा देखने वाला चीज़ है। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सीसी बाव जो कि 64 रन अभी तक कर चुके हैं और 2 विकेट ले चुके हैं। विले हिकूरी जो कि 4 ही सिर्फ रन किए लेकिन 1 विकेट भी लिया है, तो इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर चुके। तो यहाँ पर किपलिंग दड़ीगा जो कि विकेट कीपिंग करते और उनका भी कुछ खास यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 13 रन ही कर चुके। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर जेसन किला जो कि 18 रन किए और सिर्फ 1 ही विकेट अभी तक ले चुके। नर्मल भनुआ जो कि 33 रन किए और 5 विकेट अभी तक ले चुके। और जो कि यहाँ पर डेमियन रवु जो कि 3 रन किए और 4 विकेट लिए, तो ये बॉलर्स अच्छे हैं इनके पास। और जो कि नुसायना पुकाना जो कि अभी तक 1 ही रन सिर्फ किया है और 5 विकेट लिया है, तो अच्छे बॉलर्स हैं, अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि सिंगापुर का जो प्रोबेबल 11 है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, जो कि सुरेंद्र चंद्रमोहन जो कि सबसे बढ़िया प्लेयर है 119 रन अभी तक कर चुके। टीम डेविड जो कि 66 रन और यहाँ पर कोई विकेट अभी तक नहीं लिए, तो उनका उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं, फिर भी अच्छे प्लेयर है। अरित्र दत्ता जो कि अभी तक 94 रन कर चुके। मनप्रीत सिंह जो कि विकेट कीपिंग करते हैं और 81 रन कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। जनक प्रकाश सबसे बढ़िया प्लेयर जो कि 29 रन किए और 4 विकेट अभी तक ले चुके, इनके हिसाब से बढ़िया है लेकिन उतना बढ़िया आप कुछ परफॉर्मेंस अभी तक कर नहीं पाए। नवीन परम 119 रन अभी तक कर चुके लेकिन कोई विकेट नहीं लिया।
सिद्धांत सिंह जो कि 3 रन किए और 4 विकेट ले चुके हैं। तो अच्छे प्लेयर है, विकेट लेते बीच बीच में थोड़ा सा रन भी कर सकते। और यहाँ पर जो कि अमजाद महमूद उनका कैप्टन है, 1 रन किए और 6 विकेट अभी तक ले चुके। विनोद भास्करन जो 4 रन किए और 1 विकेट कर ले चुके अभी तक। रेजा गजनबी जो कि 4 रन ही किए, कोई विकेट अभी तक नहीं लिया है। यहाँ पर जो कि अहन गोपीनाथ एक जो कि अभी तक ब्रांज ही नहीं किया, बैटिंग के लिए उतरे ही नहीं अभी तक, और 1 विकेट लिया है। तो उतना ज़्यादा अच्छा बॉलर्स इनके पास है नहीं। तो चलिए यहाँ पर बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, और कौन से प्लेयर्स को अभी छोड़ के नहीं जा सकते उसके बारे में भी बता दूँ। इस बाउ जो कि बहुत ही जेन्युइन प्लेयर है और थोड़ा सा यूनिक भी है, इनके ऊपर भी कैप्टन वाइस कैप्टन का बार दारोमदार दे सकते, जो कि ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा चांस ले सकते। टोनी उड़ा तो जेन्युइन प्लेयर है, इनको स्मॉल लीग में भी आप ज़रूर चांस लीजिए। अरित्र दत्ता, इनके ऊपर ग्रैंड लीग में ज़रूर चांस लीजिए। और एस चंद्रमोहन, एसद वाला और टी डेविड, ये सभी स्मॉल लीग में भी अच्छे प्लेयर है, तो इनके ऊपर भी आप दारोमदार दे सकते, अच्छे प्लेयर है सभी। जो 2 प्लेयर को अभी छोड़ के जा ही नहीं सकते, ड्रीम इलेवन टीम आप बना ही नहीं सकते, वो है असद वाला जो कि एकदम जेन्युइन और इम्पोर्टेंस प्लेयर्स में से एक है, और जो कि नवीन परम वो भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट करने वाले प्लेयर है, लेकिन है बहुत ही बढ़िया प्लेयर, तो इसीलिए बहुत ही जेन्युइन और इम्पोर्टेंट प्लेयर में से ये भी आता है। तो चलिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिया दिया है सब कुछ इस मैच के बारे में। तो अभी चलते हैं ड्रीम इलेवन ऐप्स के अंदर, आपको टीम क्रिएट करके देते हैं साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन, चलिए आइए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे ड्रीम इलेवन ऐप्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं विकेट कीपिंग सेक्शन पर भी हूँ। तो यहाँ पर जो के दोरीगा PNG की तरफ से विकेट कीपिंग करने वाले, और एम सिंह जो कि है सिंगापुर की तरफ से, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया प्लेयर एम सिंह है, तो इनके साथ ही मैं जाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ा टनी उड़ा बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। अरित्र दत्ता पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया खेला है और 2-3 मैचों से ही अच्छा खेल रहे हैं। LSI का उतना बढ़िया परफॉर्मेंस अभी कर नहीं रहे, और जो कि गजनबी ये भी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो मेरे सबसे उड़ा दत्ता और जो कि एस बाव और सबसे बढ़िया प्लेयर जो कि एस चंद्रमोहन, 4 बैट्समैन के साथ मैं जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो कि ऑलराउंडर है, यहाँ पर टी डेविड, असद वाला और यहाँ पर जो एक प्लेयर है चनक प्रकाश, ये 3 प्लेयर के साथ मैं जाना चाहूँगा, सबसे बढ़िया हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर जो कि बॉलिंग सेक्शन पे यहाँ पर सबसे बढ़िया प्लेयर है बनुआ को लूँगा। यहाँ पर जो कि पोकाना सबसे बढ़िया प्लेयर और बहुत ही बढ़िया खास खेलते, और जो कि महबूब, ये सभी प्लेयर्स के साथ मैं जाना चाहूँगा, इसके साथ ही मैं जाऊँगा। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर रघु को, डी रघु को आप GL पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज़ करके देते हैं। तो यहाँ पर आप असद वाला को कैप्टनसी दीजिए, और यहाँ पर जो कि टी डेविड को वाइस कैप्टनसी, तो ये वाला चीज़ आपके लिए सबसे बढ़िया रह सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरा किसी को, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एस चंद्रमोहन सबसे बढ़िया हो सकता है, इनको अगर स्मॉल लीग में भी आप रिस्क कर सकते और अगर GL खेलते तो ज़रूर कर सकते, इनको भी कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन दोनों ही कर सकते, तो आपका चॉइस। तो मैं यहाँ पर असद वाला और टी डेविड के साथ जाना चाहूँगा। तो चलिए इसके साथ ही आपको टीम प्रीव्यू करके देता हूँ, यहाँ पर आप पॉज करके देख भी सकते, तो आप जानते हैं इसके बाद क्या करना चाहिए। आप लोग इतने देर देखे और टीम भी आ गई आपके सामने, तो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना। कितना बार बोलूँगा दोस्तों, आपके भाई बहुत ही मेहनत करके ये सब करता है, तो ज़रूर उनको थोड़ा सा अप्रिसिएट तो कर ही सकते हैं। अगर कोई ज़रूर जीतेगा तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ चीज़ आपको खराब लगा, कोई भी प्रेडिक्शन आपको अच्छा नहीं लगा, तो अच्छे से ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए कि भाई यहाँ पर ये हो सकता था, यहाँ पर वो हो सकता था, उसका ज़रूर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों के लिए इतना ही, अगर कोई भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना मांगता है। अपने भाई को अगर सपोर्ट करते हो तो ये तीनों चीज़ ज़रूर करो। आपके जो फ्रेंड्स है जो कि इस टाइप के ऐप्स के साथ प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो ज़रूर उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि ये वाला टीम से ज़रूर खेले, तो हो सकता है कि जीत जाए, तो और जीतने का चांसेस बहुत बढ़िया है। आप लोग जानते हैं आपका भाई कभी भी फेक टीम्स नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।